हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का बहुत बड़ा बिग अपडेट और बिग अपडेट ये है कि 1993 नियमावली से ही होगी प्रोन्नति, प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति 1993 नियमावली से ही होगी और ग्रेड 7 में प्रोन्नति 4 माह में फाइनल करने का स्पष्ट निर्देश ये सीधे हाईकोर्ट ने सरकार को चेतावनी दिया है। एकदम चेतावनी भरे लहजे में हाईकोर्ट ने कहा है कि क्या आप सरकार चला रहे हैं, क्या आप नियम बना रहे हैं, किंतु परंतु कुछ नहीं। आप ये स्पष्ट नहीं बता सकते हैं कि कब आपका नियमावली बनेगा, कब नहीं बनेगा, कब आप इन लोगों को प्रमोशन देंगे। आप फटाफट 1993 नियमावली से ही प्रोन्नति कीजिए और 4 माह के अंतर कीजिए, क्योंकि इससे पहले देखिए शिक्षकों के प्रोन्नति, प्राथमिक शिक्षकों के प्रोन्नति में मामला कितना बार कोर्ट गया, कितना बार फैसला उल्टा पुल्टा हुआ। पहले तो एक बार दे दिया गया था कि इन लोगों को भूतलच्छी प्रभाव से दे दिया जाएगा, फिर 1500 वाले जो नियुक्ति हुए हैं टीचर, उन लोग गए हाईकोर्ट और रुकवा के फिर उन लोग के पक्ष में फैसला दिया। उन लोग के पक्ष में ये फैसला दिया गया कि 1500 में जिन लोग का जो नियमावली बना है टेट पास वाले, उसके आधार पर 6-8 सीधे प्रिंसिपल हेडमास्टर बन जाएंगे और बाकी जो है पहले वाले असिस्टेंट बन के उन लोग के नीचे रहेंगे। तो इसका भी देखिए प्राथमिक शिक्षक, विशेषकर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक ने विरोध किया और ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। जाएंगे क्यों नहीं भाई, आप इतना दिन पहले उन लोग से 15-20 साल पहले से आप सर्विस कर रहे हैं और आप उनसे जूनियर हो जाएंगे, ये क्या नियमावली है। फिर उसी समय 1500 वाला जो जजमेंट आया था उस समय हाईकोर्ट में पूछा गया था सरकार को कि आप जो भूतलच्छी प्रभाव से देने जा का बात करते हैं 1500 से पहले वाले, तो क्या आप नियमावली बनाए हैं या बाद। तो उसमें भी उन्होंने टालमटोल जवाब दिया था सरकार की नहीं बनाए हैं, तो उसी में उन्होंने बोल दिया कि आप ये 1500 वाला को आप दे दीजिए प्रमोशन। फिर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक वाले जो थे वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। आप 1993 नियमावली से ही प्रोन्नति होगी, हाईकोर्ट ने खूब चेतावनी भरे लहजा में सरकार को कहा है किंतु परंतु कुछ नहीं, 4 माह के अंदर आप अगर नहीं करते हैं तो आप ये नियमावली आपको 93 नियमावली के अनुसार ही आपको बनाना है। 4 माह के अंदर कुछ नहीं करना है आपको, 4 माह के अंदर आपको 1993 नियमावली के अनुसार आपको प्रमोशन देना है। फटाफट प्रमोशन कीजिए और ग्रेड 7 तक इन लोगों को प्रमोशन मिले जाइए, उसके बाद जो करना है सो कीजिएगा। और ये स्पष्ट बोला कि आप किंतु परंतु क्या करते हैं, आप ये बता नहीं सकते हैं कब तक नियमावली बनाए, कुछ नहीं बता सकते हैं, तो फिर आपको करना क्या है। आप जो है 93 नियमावली उसके अनुसार आप फटाफट दीजिए। तो बहुत बड़ा बिग अपडेट दोस्तों, नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए और दोस्तों मेरा आप लोग का प्यार भरा नमस्कार। चलिए देखते हैं बिग अपडेट। प्राथमिक शिक्षकों को 1993 की नियमावली से 4 माह में प्रमोशन दे स्कूली शिक्षा विभाग। दोस्तों, ये पेपर दैनिक भास्कर का है। हाईकोर्ट का आदेश, नया नियम बनाने में कितना समय लगेगा यह बताने में शिक्षा विभाग असमर्थ, वो बताने ही नहीं सकता है। देखिए बाहर है शिक्षा विभाग। प्राथमिक शिक्षकों को प्रमोशन के मामले में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों को प्रमोशन देने के लिए स्कूली शिक्षा विभाग कब तक नियमावली बनाएगा, जिसकी तिथि नहीं बता रहा है। इसलिए नियमावली बस 1993 के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक शिक्षकों का प्रमोशन, ग्रेड 7 में प्रिंसिपल, ग्रेड 7 में प्रिंसिपल पद पर प्रोन्नति देने के लिए शिक्षा विभाग को आदेश दिया है। इसके लिए 4 माह का समय दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की बेंच द्वारा राकेश कुमार एवं अन्य के विरुद्ध राज्य सरकार से संबंधित रिट याचिका का निष्पादन करते हुए फैसला दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षा विभाग प्रमोशन के लिए नई नियमावली बनाने के लिए शपथ पत्र दिया था, लेकिन उसमें कितना समय लगेगा यह नहीं बताया। बार शपथ पत्र कैसा शपथ पत्र रहता है। इसलिए वर्तमान में प्रभावी 1993 नियमावली प्रोन्नति नियमावली के आधार पर ही प्रमोशन देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने कहा है कि उक्त ग्रेड को पाने की तिथि से ही वरीयता का आधार होगा। 1993 नियमावली के प्रावधानों के आलोक में ही वरीयता लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है, वैसे ही बनेगा। इंतु पुंतु कुछ नहीं चलेगा, फटाफट बनाइए, 4 माह के अंदर इन लोगों का प्रमोशन दीजिए, वरीयता लिस्ट शीघ्र जारी करे शिक्षा विभाग। झारखंड के प्रगतिशील शिक्षक संघ ने स्कूल शिक्षा विभाग से
हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में प्राथमिक शिक्षकों को प्रमोशन देने की मांग की है। महासचिव देखिए बलजीत कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग से सभी जिला शिक्षा कार्यालयों को प्रमोशन के लिए शीघ्र दिशा निर्देश देने को और ध्यान आकृष्ट कराया है। कहा है कि कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर शिक्षकों को प्रमोशन दे। ये दोस्तों बहुत बड़ा बिग अपडेट है। आप प्राथमिक शिक्षकों को जितना जल्दी हो सके सरकार एकदम नियम उसको फटाफट प्रमोशन दे, ग्रेड सेवन तक जो पहुंचेंगे उनको दे दे और शुरू से भूतलची प्रभाव से दे दे। तो ये दोस्तों आज का बिग अपडेट था। नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नए नए अपडेट मेरा चैनल में आते रहता है शिक्षकों से संबंधित, तो किसी भी तरह का आपका न्यूज कहने का मतलब अपडेट ज़्यादा ही मिलता है और ज़्यादा ही शिक्षकों से संबंधित मैं अपडेट करते रहता हूँ। हालांकि मेरा चैनल में आपको सब मिले, जॉब से संबंधित और करंट अफेयर, एडुकेशन संबंधित और शिक्षकों से तो प्राइमरी से पीजी से एकदम लेक्चरर प्रोफेसर सबका आपका आपको न्यूज मिल जाएगा। तो जय हिंद, जोहार झारखंड।